सर, मैं घर में बैठा था तो आवाज़ आगे अजान की हो गई, तो शफी साहब भी हमेशा सुबह की अजान देते थे, वक्त पर देते थे, तो माइक हमने कल शाम को ठीक की थी तो अजान बड़ी हो गई, तो अशद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहला पढ़ा इसने, तो दूसरा पढ़ने से पहले एक आवाज़ आ गई मेरे कानों में, जैसे कुछ गम हो गया, ऐसे हो गया, तो वो दरअसल माइक से भी, माइक खुली थी तो उससे वो वाइब्रेट हो गई आवाज़, तो अजान ख़त्म हो गई, अजान इसके बाद अजान नहीं हुई, तो अब मैं खामोशी रहा, मैंने सोचा कुछ आवाज़ आएगी, क्या होगा, क्या हुआ होगा, अब मैंने सोचा मेरे ख्याल में ये मशीन ख़राब हुई है हमारे, क्योंकि ये पहले दो दिन से ख़राब थी, तो इस वजह से ही हो गया, लेकिन पाँच मिनट के अंदर अंदर मुझे बेटी ने आवाज़ दी कि शफी अंकल नहीं रहे, तो हम यहाँ पहुँचे, तो इस दौरान मेरे भांजे ने और उसके भाई बच्चे ने, भतीजे ने उसको उठा लिया था बारामूला। अब हमारे जहन में ये था कि इसको थोड़ा, मुझे लगता है प्रेशर रेज हुआ होगा, कोई गिर गया होगा, उस वजह से चक्कर आया होगा, तो इस वजह, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया है कि इसको गोलियाँ लगी, इसको गोली लगी है, तो अब क्या, तो अब हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, अपने गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस कल्प्रिट को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, इस जिसने ये अनहोनी हरकत की।